चलिए मॉक मारते हैं। शी प्लान्स टू मूव फॉरेन नेक्स्ट ईयर टू ट्राई टू बिल्ड अ कैरियर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। शी इज़ प्लानिंग टू मूव फॉरेन नेक्स्ट ईयर। मदर सेड ऑल द गेस्ट्स विल अराइव टू नाइट। मदर सेड डैट ऑल द गेस्ट्स वुड अराइव दैट नाइट। दैट नाइट कहाँ कहाँ पे बिल्डिंग वुड होगा काम खत्म है। ही ड्रोव द कार वेरी केयरफुली ऑन द हिली टेरेन। ठीक है, तो द कार वॉज ड्रिवन कहाँ पे, सीधा दो नंबर पे ठोक देना है। माई मदर वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, तो डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। फैसिनेशन मतलब क्या है कि किसी चीज़ का मोह टाइप का, तो सिनोनिम है, तो सिनोनिम क्या होगा, फैसिनेशन मतलब अपील। ठीक है, अपील, ठीक है, कोई चीज़ फैसिनेटिंग होता है, कोई चीज़ अपीलिंग होता है। ड्रैब, ड्रैब का मतलब क्या होता है, ड्रैब मतलब नहीं पता। ठीक है, मार्केट, अश्रिंकिंग वायलेट मतलब क्या हुआ, श्रिंकिंग वायलेट मतलब क्या है, एक वेरी क्या बोल सकते हैं उसको कि नॉट फ्रॉम नेस्ट करते, तो अ पर्सन विथ बैड हैबिट्स और फॉल विच कैनॉट बी चेंज, इनकॉरिजिबल, वेर इज दिस इनकॉरिजिबल। प्लीजेंट, अकाउंटेंट इनकरेक्टली, सीधा PLEASANT होता है। द ओल्ड बिल्डिंग वॉज पुल डाउन थ्रू बाय द अथॉरिटीज, मेरे ख्याल से क्या है, सम मैन्युफैक्चरर्स हैव बिगन टू होल्ड बैक पेमेंट्स टू देयर सप्लायर्स विच इज़ लाइकली टू रिपल आउट एंड पुट मोर स्ट्रेस ऑन जॉब्स। ठीक है, हाँ, न्यूज़ इमर्जिंग, बी के बाद डी होगा, बी डी कहाँ पे, बी डी यहाँ है, बी डी, अब बी डी यहाँ दो जगह है, तो बी डी, अब सम मैन्युफैक्चरर्स हैव बिगन टू होल्ड बैक पेमेंट्स टू दे, बी डी ए, बी डी ए कहाँ पे, बी डी ए, सिक काम खत्म। बेस्ड ऑन चांस रदर देन रीज़न और प्लान, क्या होता है, आर्बिट्ररी, हम लोग कोई आर्बिट्ररी नंबर लेते हैं, मतलब कोई सा भी नंबर, कोई सोच समझ के नहीं। फॉल इन अ हीप मतलब क्या होता है, कि कहीं का डैम गिर जाना, इसी टाइप का होगा। टू बी इन कंट्रोल ऑफ वंस ओन फीलिंग, ठीक है, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। वैलियंट, वैलियंट का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होगा, बहुत बहादुरता, तो क्या होगा, कोवार्डली। बाय एन एम्परर नेम, द ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट। बी डी सी, द ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट बिल्ट बाय द इन द despite their dash impersonal rules that apply to all are essential in large system, मतलब क्या, despite their limitations, ठीक है। severity मतलब बहुत गहरापन किसी चीज़ का, severity का synonym क्या होगा, seriousness। the only complaint is that the font chosen for the text is to, the shopkeeper had lived with his family in a detached house opposite to the store. एसर्टेन सही, इनहेरिट सही, ग्लोरीफाई सही, डिस्क्रीट मिसस्पेल्ड, एसर्टेन, ठीक है, इनहेरिट, ग्लोरीफाई मेरे ख्याल से डिस्क्रीट का ही होगा, DISCRET होता है। वी ट्रूली कैनॉट अंडरस्टैंड द रियल डैश ऑफ एनवायरमेंट, बट वी कैन रियल, आगे पढ़ने पता चलेगा कि किसके बारे में बात कर रहा है। बट वी कैन डैश, क्या हो सकता है, एस्टिमेट, कंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि वी कैन एस्टिमेट सम ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंस दैट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड इट्स इम्पॉर्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से वी कैन, या इम्पॉर्टेंस का बात हो रहा है, तो मेरे ख्याल से वर्थ होगा यहाँ पे। ठीक है, इट प्लेज अ डैश रोल, इट प्लेज अ वाइटल रोल, बहुत मतलब की रोल, इन कीपिंग लिविंग थिंग्स हेल्दी इन एनवायरमेंट। लाइकवाइज इट मेंटेन्स द डैश, इट मेंटेन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन अर्थ। मोर ओवर द इन्वायरमेंट गिव्स अस काउंटलेस बेनिफिट्स दैट वी कांट रिपे। हम लोग ऐसा बेनिफिट है जिसको हम दोबारा वापस नहीं कर सकते हैं, रिपे, ठीक है, सेव एंड सबमिट, ठीक है, नो, कितना भी बना है देखे ज़रा, दो सवाल नहीं बना है, 6 नंबर और 7 नंबर, श्रिंकिंग बॉडेट, फिर भी क्या करते हैं, सेव और सबमिट कर देते हैं। ठीक है, 43.5, मतलब कितना सवाल गलती हुआ, 1 सवाल गलती हुआ। तो आप देख सकते हैं कि अटेम्प्ट कैसे लिया जाता है इसमें,
एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ फ्रेस. चलो फॉल इन अ हीप का मतलब मेरे ख्याल से होना चाहिए था टू बी टू लूज कंट्रोल ऑफ वंस फीलिंग. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है. तो ऐसे करके अटेम्प्ट लेना है.